सरजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, कितने बजे ये जो अमृतपाल है गुरुद्वारे में आया, आप कहाँ थे उस वक्त, थोड़ा तफसील? हाँ जी, असि 6 बजे अंतर द्वार से दरबार साहब वो बाद दे विच उत्थे 6:30 बजे आया। ठीक, उन्हें मत्था टेकया ते थले फोटो असां तां भुरी जिही लगी, उहदे च मत्था टेक के आके फरन्या करके वह बह गया आके संगत बैठी गई है। मुड़के पाठी ने मतलब उहदी अरदास बेनती की है, ये गिरफ्तारी देन लगा, हुक्मनामा लिया, हुक्मनामे तो बाद देग वरती है, देग वरती है, मतलब 7 का टाइम हो गया। उन्होंने वहां पे संगत को एड्रेस भी किया था, क्या बोला था? नहीं, वो तो ये बोलिया भी अपना अमृत का चलता सी प्रोग्राम, संगते तो अमृत छकी जाना सिंह ते नशा तो त्याग करन बस। हाँ, तो बाहर कोई पुलिस थी कहीं, कुछ दबिश या कहीं कुछ ऐसा? नहीं, बाहर तो हम इतने खड़ी से असर लैन ही आई सी, बाहर पुलिस ने खड़ नहीं लैन आया, पुलिस ने तो खड़ नहीं लैन आया। तो ये आत्मसमर्पण था कि बाद में क्या अरेस्ट था, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो आप ही जी बाहर आ गए, बाहर गड्डी चबा के लाए गए बस। तो ये सब आपने देखा? हाँ जी। कुछ आपको अंदाजा था, कुछ हलचल थी, कितने लोग थे उस समय? कोई नहीं, आई संगते जी गुरुद्वारे चाहती बस। और उसके बाद से शांति बनी हुई? हाँ, शांति बनी। और कितनी पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस तो इधर खड़ी थी, उधर खड़ी थी, अंदर ही सी, सानू पता नहीं मोर कोई आ गई चाहे नहीं आ गई, है ना। हाँ। अजे असा 6 बजे मत्था हर रोज टेकन आने, 7 बजे बाहर आ गए, उन्होंने बाग लै गए अपने घर उठ गए। तो एक अहम प्रत्यक्षी हैं और सीधा उनसे ही बात कर रहे थे हम, खासतौर पे वो बता रहे हैं किस तरह से गुरुद्वारे में किस तरह से हरकत हुई। 6 बजे वो यहाँ पर पहुंचे थे और पुलिस बाहर थी और उसके बाद ये पूरा सरेंडर हुआ है। सरजीत सिंह, हाँ, उन्हें स्वभाव ने जी, अज असि जी मत्था टेकी के हटे सके, बाहर इतने गड्डिया इधर भी खड़िया, तीन चार इधर खड़िया, जो असि अंदर वेखा उदो अमृतपाल उत्थे मत्था टेकदा सी, उत्थे खड़ गए असीं, उन्होंने थले भोरा साहब च मत्था टेकया, आके उन्होंने 5-4 मिनट बोलिया भी असीं विकर राही। ठीक है, पुलिस लगी भी सी नाल उदो, उदो थोड़ियां सी, इत्थे अंदर ही खड़े सीगे बंदे, बाकी सिविल लीडर सीगे। हाँ, किन्नियां गड्डियां आई सी कित्थों, चंडीगढ़ वगैरह तो आईयां? नहीं, इन्ना नहीं पता कित्थों सी, आपां में झूठ मारी पुलिस पहले पहुंचे हैं, अरदास बेनती हुई है, हुक्मनामा होया, बाहर चो आए, बाहर आके गड्डी आ बैठे, कोई गल नहीं जी, आ बैठे। सुरिंदर सिंह जी, असी सुबह मैनू फोन आया बागे पुराने तो थोड़े एक दो पत्रकार भरावान का भी, क्योंकि मेरा घर इतने बिल्कुल नेड़े है, वो पुछ रहे कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस थोड़ी लगी है। मैं भी असं तो कुछ नहीं देखा सुबह का जी, तो सानू तो जो बाद न्यूज चली उदो कन्फर्म हो वाकई गिरफ्तारी हुई है। सानू तो 4-5 गड्डिया सी चल रही है, वो अंदर मत्था टेकया, उन्होंने 5 मिनट बोले भी है, सुबह दस रहे जी, हां जी सुबह दस रहे, सुबह आए ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਸੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ।